फ्रेंड 2023 में क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इस बार फ्रेंड वेबसाइट जल्दी खुल गई है। अगर आपको भी क्रय केंद्र पर धान को बेचना है तब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फ्रेंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको एक एक चीज बता दूंगा कि धान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है, खतियोनी की हिस्सेदारी कैसे निकाला जाता है, सत्यापन कहाँ से करवाना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं धान का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। धान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर खोल लेना होगा। ब्राउजर आप लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है आप उसमें एक ब्राउजर खोलेंगे और ब्राउजर सर्च बार में आपको टाइप करना है fcs.up.gov.in लिखकर आपको इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप fcs.up.gov.in लिखकर सर्च करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से धान और गेहूं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। धान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां देखिए क्रय प्रबंधन प्रणाली के नीचे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा खरीद हेतु किसान पंजीकरण। आपको इसके ऊपर यहां पे क्लिक करना होगा। आगे देखिए यहां पे ये पेज खुलकर आएगा। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इसके नीचे देखिए पहला ऑप्शन दिखेगा धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इसके ऊपर आपको यहां पे क्लिक करना होगा। अब उसके बाद देखिए ये पेज खुलकर आया है। एक नंबर से लेकर आपको पांच नंबर तक जो है काम करना पड़ेगा इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। स्टेप वन पे आपको नवीन पंजीकरण करना होगा। स्टेप टू पे आपको संशोधन का ऑप्शन मिलेगा। तीसरे नंबर पर आपको ड्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आपको पंजीकरण को लॉक करना होगा और पांचवें नंबर पर पंजीकरण का फाइनल प्रिंट निकलेगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। इसको आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा वैसे ही बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले धान को बेचने के लिए। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फार्म को आपको लॉक करना होगा। उसके बाद उसका फाइनल प्रिंट आपको निकालना होगा। उसके बाद एसडीएम के यहाँ से इसको सत्यापन करवाना होता है। सत्यापन फ्रेंड अभी नहीं होगा क्योंकि ये वेबसाइट जल्दी खुल गई है। सत्यापन संभवतः अक्टूबर से होता है तो अभी सत्यापन नहीं होगा। अभी सिर्फ आपको ऑनलाइन करके रख लेना होगा। जब सत्यापन चालू हो जाएगा तो आपको एसडीएम के यहाँ से जाके इसका सत्यापन करवाना होगा, तभी आप धान को बेच पाएंगे क्रय केंद्र पे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने को आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं डाल पाएंगे। आपका जो धान का पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है। आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक होगा उसी में पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना होगा, तभी पैसा आएगा। नहीं तो ये दो साल से ऐसे ही हो रहा है। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। जिन लोगों का पिछली बार धान या गेहूं का पैसा आया था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका पैसा फंसा था वो अपना डीबीटी करवा लेंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन करेंगे। अब ऑनलाइन करने के लिए आपको स्टेप वन पे नवीन पंजीकरण के ऊपर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद ये पेज आया, आपको सबसे पहले अपना आधार संख्या यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये पेज खुल कर आया। अब आपको यहाँ पे किसान का नाम डाल देना होगा। किसान का नाम फ्रेंड आधार कार्ड के हिसाब से देख के डालना है। स्पेलिंग का एक भी अक्षर का मिसमैच ना होने पाए, नहीं तो अगर फॉर्म लॉक हो जाएगा तो उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब आप जाएंगे क्रय केंद्र पर अंगूठा लगाने के लिए तो वहाँ पे आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा और आपका धान नहीं बिकेगा। इसलिए आपको आधार कार्ड से देख के ही नाम डालना है क्योंकि यही एक फर्स्ट मौका मिलेगा। फॉर्म लॉक होने के बाद आप इसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आधार कार्ड से देख के ही नाम डालेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैप्चा कोड इस बॉक्स में भरना है, यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करना है और सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए ये पेज खुल कर आया। अब इस फॉर्म को आपको भरना होगा तो यहाँ पे देखिए आपको किसान का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेंडर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद किसान के पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे डालना है। श्रेणी आपको चुनना है, एससी एसटी ओबीसी आपका क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ और नाम, यही दो चीज मेन होता है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको आधार कार्ड से देख के सही सही डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको किसान का कंप्लीट एड्रेस इस बॉक्स में भर देना है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप पे आपको एक नॉमिनी का डिटेल भरना है। अगर नॉमिनी का डिटेल फ्रेंड इसलिए भरना जरूरी होता है क्योंकि अगर किसान का अंगूठा नहीं लग रहा है क्रय केंद्र पर तो नॉमिनी अपना अंगूठा लगा सके, ताकि इसलिए नॉमिनी का डिटेल भरा जाता है। अगर किसान बूढ़ा हो गया है ज्यादा या फिर किसान किसी भी कारण बस क्रय केंद्र नहीं जा सकता है तो नॉमिनी अंगूठा लगा सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो सिर्फ आपका ही अंगूठा वहां पे लग सकता है। अगर नॉमिनी ऐड किए रहेंगे तो आपको दो विकल्प मिलेगा अंगूठा लगाने का, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पे हाँ करके एक नॉमिनी का डिटेल आपको यहाँ पे भर देना होगा। आपको नॉमिनी का नाम यहाँ पे डाल देना है, आधार कार्ड से देख के अंग्रेजी में जो नाम है आपको वो सही से डाल देना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना है। बाद नॉमिनी का किसान के साथ क्या संबंध है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देना है। उसके बाद आधार संख्या आपको यहाँ डालना है। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे भूमि का विवरण आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील, उसके बाद परगना, उसके बाद आपको गाँव यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने गांव का नाम सिलेक्ट किया, यहाँ पे खाता संख्या पूछ रहा है तो खतौनी के ऊपर जो खाता संख्या होता है आपको वो यहाँ पे डाल देना है और नाम खोजी के ऊपर क्लिक करना है।
देखिए जैसे हमने नाम खोजे के ऊपर क्लिक किया है, नीचे एक और ऑप्शन खुल गया किसान का नाम। अब यहाँ पे देखिए किसान का नाम चुने लिखे हुए हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा तो खतौनी में जितना नाम होगा सब आ जाएगा। अब जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद भूमि का विवरण जोड़े इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे भूमि का विवरण जोड़े के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमारा एक खतौनी ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमें हिस्सेदारी अपना अलग करना होगा, तो हिस्सेदारी देखिए अलग करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे खतौनी में तीन नाम है, तीनों भाई है, तो यहाँ पे 1/3 हिस्सा होगा। तो इसी तरह आपको भी समझना है कि अगर दो भाई हैं तो 1/2 रहेगा, तीन है तो 1/3 रहेगा, चार भाई है तो 1/4 रहेगा, अगर सिंगल नाम का खतियोनी है तो संपूर्ण हिस्सेदारी रहेगा। और हिस्सेदारी किस तरह अलग किया जाता है मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और इस बार भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा हिस्सेदारी कैसे अलग किया जाता है। अगर आपको हिस्सेदारी में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये देखिए कुल रकबा जो दिख रहा है आपको उठा के ही पहले वाले में भर देना है, बीच वाला छोड़ना है, तीसरे वाले में भर देना है। ये कुल रकबा आप अगर भर रहे हैं तो जब आप सत्यापन करवाने जाएंगे तो बगैर हिस्सेदारी अलग किए आपका सत्यापन नहीं किया जाएगा वहाँ पे, इसलिए हिस्सेदारी में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो आप क्षेत्र के लेखपाल से अपने मिल लेंगे, वो आपको हिस्सेदारी अलग करके दे देंगे, जो हिस्सेदारी वो अलग करके दे वही आपको पहले और तीसरे वाले में भरना है। हिस्सेदारी में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस यही आपको पता रहना चाहिए आपका कितना हिस्सा है। जितना हिस्सा है आपका 1/2, 1/3, 1/8, 1/9, जितना आपका हिस्सा है कुल रकबा में से उतने का ही भाग करके आपको पहले और तीसरे वाले में भर देना है। उसके बाद सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमारा एक खतौनी ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए बेचे जाने वाली धान की मात्रा भी दे दिया है 17 क्विंटल, यानी कि हमारे एक खतौनी से हम ये 17 क्विंटल 77 किलो धान बेच सकते हैं क्रय केंद्र पर। तो इसी तरह से आपको बारी बारी से और खतौनी ऐड कर लेना होगा, आपके पास जितना खतौनी है सब बारी बारी से आपको ऐड कर लेना होगा। दोबारा परगना चुनेंगे, ग्राम का नाम चुनेंगे, उसके बाद खाता संख्या भरेंगे, नाम खोजे के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद किसान का नाम आ जाएगा वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर से आपको ऐसे हिस्सेदारी अलग करके आपको सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका एक खतौनी और ऐड हो जाएगा। के पास जितना भी खतौनी है सबको सब आपको यहीं पे लगा देना है। बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड भरना है और संशोधित करे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने संशोधित करे के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे दे रहा है किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, इसको यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो देखिए ओके करने के बाद ये देखिए हमारा ड्राफ्ट आ गया है, इसको हमें अच्छी तरीके से चेक कर लेना होगा इसमें हमने कुछ गलती तो नहीं किया। इसमें खास तौर पे आपको किसान का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चीज आपको अच्छी तरीके से देख लेना होगा। आधार कार्ड से एकदम मिलान रहना चाहिए, आधार कार्ड से अगर मिसमैच हुआ तो फिर जो है आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा जब आप क्रय केंद्र पर अंगूठा लगाने जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे सब कुछ सही है आपको चौथे स्टेप पे पंजीकरण लाख वाले स्टेप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आधार संख्या भरना है, कैप्चा कोड भरना है, टर्म को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। हमें यहाँ पे फार्म को लॉक करना होगा। फार्म को लॉक करने के लिए यहाँ देखिए घोषणा के बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लॉक करे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद वेरीफाई करे के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हमारा ओटीपी वेरीफाई होगा यहाँ पे हमारा देखिए फाइनल लॉक हो गया है। अब यहाँ पे देखिए खतौनी का स्थित लंबित दिखा रहा है। अब आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसको एसडीएम कार्यालय में ले जाके वहां से इसको सत्यापित करवाना होगा। अरे वहां पे आपकी अलग की जाएगी, उसके बाद इस फार्म का सत्यापन कर दिया जाएगा। जैसे ही सत्यापन होगा आप क्रय केंद्र पर धान बेच सकते हैं। इसका फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको 5 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पंजीकरण फाइनल प्रिंट वाले पे। इसका फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको 5 नंबर वाले ऑप्शन पंजीकरण फाइनल प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, अपना आधार कार्ड संख्या डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल के आपको जो है ओके कर देना है। आपका ये फाइनल प्रिंट आ जाएगा, आपको सत्यापित करवा लेना है। सत्यापन हो जाने के बाद जब क्रय केंद्र चालू होगा तब आप जाके वहाँ पे अपना धान बेच सकते हैं। जितना आपका मात्रा बना रहेगा उतना आप धान बेच सकते हैं। इस तरह से धान का रजिस्ट्रेशन होता है। तो फ्रेंड वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। कोई जानकारी आपको न समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।